बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है सोशल बिहेवियर और एगोनिस्टिक बिहेवियर। बात करते हैं सोशल बिहेवियर की। व्हाट इज सोशल बिहेवियर? इट्स एन इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। यानी कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में बताएं तो कोई भी एक स्पीशी जो होती है, उस स्पीशी के दरमियान, उस स्पीशी के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंटरेक्शन जो है वो फूड के लिए हो सकता है उनके दरमियान, या शेल्टर के लिए हो सकता है, या मेटिंग पर्पस के लिए हो सकता है। तो ये जो एक ही स्पीशी के मेंबर के दरमियान जो मुख्तलिफ इंटरेक्शन होते हैं, इन इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं कि ये उनका सोशल बिहेवियर है। अब समटाइम जो है एक ही स्पीशी के दरमियान इंटरेक्शन होता है, बट कुछ बाज़ दफ़ा जो है वो इंटरेक्शन उस स्पीशी के मेंबर का किसी दूसरे स्पीशी के मेंबर के साथ भी हो सकता है। तो सोशल बिहेवियर एक्सक्लूड प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, यानी हमने सोशल बिहेवियर के अंदर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को शामिल नहीं करना। उसके बाद लिविंग इन ग्रुप्स टॉपिक है। लिविंग इन ग्रुप्स के अंदर सबसे पहले ग्रुप को डिफाइन करना पड़ेगा। ग्रुप क्या है? तो ग्रुप जो है एन एग्रीगेशन ऑफ एनिमल्स फॉर सिंपल पर्पस। यानी एनिमल्स का जो है वो एग्रीगेशन मतलब मजमुआ जो है, यानी एनिमल्स जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं फॉर सिंपल पर्पस, किसी पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, वो पर्पस क्या हो सकता है? फीडिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, या मीटिंग हो सकता है। अमूमन आपने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, बहुत दफ़ा जो है ना, बहुत सारे जो बैफलोज होते हैं वो एक ही जगह पर पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा बैफलोज इकट्ठे होते हैं। तो वो जो एक ही स्पीशी के मेंबर हैं जो एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, उनका पर्पस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वो ड्रिंकिंग के लिए आए हैं, या मेटिंग के लिए आए हैं, या फीडिंग के लिए आए हैं। तो वो जो उनका एग्रीगेशन है, जो उनका ग्रुप है, उस ग्रुप को नाम, उनका जो एग्रीगेशन है उसको हम नाम देते हैं कि ये एक ग्रुप है। इसकी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ड्रोसोफिला फ्लाइज लिव ऑन अ पीस ऑफ रोटिंग फ्रूट। अगर बनाना जो है वो रोटिंग बनाना है और उसको रख दिया जाए, तो आप देखेंगे वो बहुत सारी जो फ्लाइज हैं वो वहाँ पर आकर इकट्ठी उस पर रहने लग जाएंगी, उसको खाने लग जाएंगी। तो देखें, वो एग्रीगेशन इकट्ठी हो गई हैं किस लिए? फूड के। उनका पर्पस क्या है? फीडिंग के लिए। तो वो जो उनका एग्रीगेशन है उसको नाम देंगे कि ये एक ग्रुप है। तो अमूमन एनिमल्स ग्रुप की सूरत में भी आपको जो है ना वो मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एनिमल सोसाइटी क्या है। एनिमल सोसाइटी जो है, जब हम एनिमल सोसाइटी को डिफाइन करते हैं तो हम इसके अंदर तीन चीज़ों की बात करते हैं। जब कहते हैं सोसाइटी जो है वो स्टेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी ये ग्रुप स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि ये नहीं होना कि ये ग्रुप जो है वो एक दिन के बाद जो है ग्रुप टूट गया है, या कुछ मेंबर किसी और जगह पर चले गए हैं, कुछ मेंबर किसी और जगह पर चले गए हैं। तो यानी ये स्टेबल ग्रुप है कि ये मतलब कायम दम रहने वाला ग्रुप है। सेम स्पीशी, दूसरा जो इसका पॉइंट है, जो हम जिन एनिमल्स की बात कर रहे हैं वो तमाम एनिमल्स का वो जो स्टेबल ग्रुप है उसके अंदर सारे एनिमल्स एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हों, मेंटेन्स कॉपरेट सोशल रिलेशनशिप, और वो जो तमाम एनिमल्स हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप यानी सोशल बिहेवियर भी शो करते हों। तो वो जो ग्रुप है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टेबल, इंडिविजुअल्स का स्टेबल ग्रुप है, सेम स्पीशी के मेंबर हैं और कॉपरेशन भी एक दूसरे के साथ करते हैं, उस ग्रुप को नाम देते हैं कि ये एनिमल सोसाइटी है। इसके बाद एसोसिएशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड लेवल ऑफ मेटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ यंग। इसके अंदर जो है एनिमल सोसाइटी के अंदर जो है एसोसिएशन सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि एनिमल्स मेटिंग पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ वो उनका रिलेशनशिप है, या वो यंग अपने जो बच्चे होते हैं, यंग मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हिफाजत के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो अच्छा रिलेशन रखेंगे। मतलब इन तमाम चीज़ों से हटकर जो उनका रिलेशन है, यानी हम इसकी बात करते हैं सोशल बिहेवियर के अंदर कि वो कैसे उनका रिलेशनशिप जो है इन चीज़ों से हटके है। सोशल बिहेवियर इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट स्पीशीज। हर एक स्पीशी के अंदर जो है सोशल बिहेवियर अलग-अलग अलग-अलग जो है ना वो उसकी एवोल्यूशन हुई है। इसीलिए तमाम स्पीशीज का जो सोशल बिहेवियर है वो एक दूसरे से अलग-अलग है। फॉर एग्जांपल, इनवर्टिब्रेट के अंदर अगर देखें तो सोशल बिहेवियर उनके अंदर किसी और तरह का होगा। वर्टिब्रेट के अंदर अगर हम बात करें तो उनका सोशल बिहेवियर इनवर्टिब्रेट से डिफरेंट होगा। मतलब हर एक स्पीशी के अंदर सोशल बिहेवियर की एवोल्यूशन अलग-अलग इंडिपेंडेंटली हुई है।
उसके बाद सोशल बिहेवियर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस ऑफ सोशल ग्रुपिंग जो है, अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो पहला जो एडवांटेज है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स। अब जब एनिमल जो है ग्रुप की सूरत में रह रहे होते हैं, सोशल ग्रुप यानी जब एनिमल ग्रुप की सूरत में रह रहे होते हैं तो अमूमन ग्रुप्स, वो एनिमल जो कि ग्रुप के अंदर रहते हैं उन पर कोई भी प्रीडेटर इतनी जल्दी अटैक नहीं करता। प्रीडेटर डर रहा होता है क्योंकि वो एनिमल ग्रुप के अंदर है। बैफलोस का ग्रुप अगर देखें, जब वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कहीं पर जाता है तो शेर जब उन पर अटैक करता है तो शेर इतनी आसानी के साथ उन पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि ये तमाम एनिमल्स ग्रुप की सूरत में है, अगर मैं इन पर हमला करूंगा तो ये सारे का सारा ग्रुप मेरे पीछे पड़ जाएगा। मतलब जब एनिमल ग्रुप की सूरत में रह रहे होते हैं तो उन पर जो प्रेडेटर का अटैक है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम होता है, तो ये उनको फायदा है एनिमल्स को। उसके बाद इंक्रीज इन फीडिंग एफिशिएंसी, जब एनिमल्स ग्रुप की सूरत में फीडिंग के लिए जाते हैं तो उनको जो है वो फीडिंग में भी आसानी रहती है। फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब लाइन जो है, अमूमन अगर कोई बड़ा एनिमल है तो बड़े एनिमल पर लाइन इतनी जल्दी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो एनिमल उस लाइन से काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा है। अब लाइन जो है वो ग्रुप की सूरत में फिर अटैक करते हैं, जब वो ग्रुप की सूरत में अटैक करते हैं तो वो आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं और उनको, मतलब फीडिंग एफिशिएंसी का मतलब उनको आसानी के साथ जो है फूड मिल जाती है। इसी तरीके से जो वुल्फ्स होते हैं वो भी अमूमन जो है, वुल्फ्स जो हैं वो भी ग्रुप की सूरत में शिकार करते हैं और इस ग्रुप की सूरत में शिकार करना आसान होता है एनिमल्स के लिए, आसानी से शिकार पकड़ लेते हैं। उसके अलावा भी इन ग्रुप के और भी फायदे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट। समटाइम क्या होता है कि अचानक से इन्वायरमेंट चेंज, कोल्ड का इन्वायरमेंट, सर्दी आ जाती है तो वो एनिमल जो कि उस सर्दी को बियर नहीं कर सकता, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, और तो वो एनिमल जिनका इम्यून सिस्टम अब मजबूत है, अब जिन एनिमल्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और जिस एनिमल का इम्यून सिस्टम वीक है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वाले जो है वीक को सराउंड कर लेंगे, उसको घेर लेंगे ताकि उस पर सर्दी का कम से कम इफेक्ट हो और उसकी बॉडी की हीट मेंटेन रहे। इस तरीके से एनिमल जो हैं वो एक दूसरे की भी हिफाजत करते हैं हार्श एनवायरनमेंट से, ग्रुप की सूरत में। इसके अलावा जो है उसकी एक आम सी मिसाल है कि अगर किसी एक बंदे को, अगर फॉर एग्जांपल इंसान ही की एग्जांपल है, तो सर्दियों के मौसम के अंदर क्या होता है, अगर एक अकेला इंसान हो उसको सर्दी ज़्यादा लगती है और 5-10 का ग्रुप हो तो वो ग्रुप की सूरत में इकट्ठे बैठ जाते हैं एक जगह पर, तो अब उनको इतनी सर्दी नहीं लगेगी। इसके अलावा हेल्प टू फाइंड मेट, जब एनिमल्स ग्रुप की सूरत में होते हैं तो उन अमूमन जो है उनको उनका ऑपोजिट जो सेक्स है या ऑपोजिट जो मेट है वो आसानी के साथ मिल जाता है। रेयरिंग ऑफ यंग, ग्रुप की सूरत में एनिमल जो होते हैं उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी परवरिश करना आसान होता है। अगर माँ बाप कहीं पर बाहर भी गए हुए हैं तो वो जो बच्चा है छोटा, जो यंग वन है, उसकी देखभाल जो है ग्रुप के दूसरे मेंबर भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा सोशल ग्रुपिंग हमें मिलेगी इंसेक्ट्स के अंदर देखने को, मोस्टली मिलती है इंसेक्ट्स के अंदर सोशल ग्रुपिंग। और इंसेक्ट के अंदर कौन सा इंसेक्ट, हनीबी के अंदर अगर देखें, हनीबी जो शहद की मक्खियां हैं इनके छत्ते के अंदर सोशल बिहेवियर बकायदा देखने को बहुत आम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कुछ हनीबीज जो होती हैं वो छत्ते को डिफेंड करने का काम करती हैं, कुछ हनीबी जो हैं उस छत्ते में फूड लाने का काम करती हैं, कुछ शनीबी जो है वो छत्ते की सफाई का काम करती हैं, कुछ शनीबी जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, उनकी रेयरिंग कर रही होती हैं। तो हर एक जो हनीबी है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम उनके दरमियान मौजूद है, और ये सोशल बिहेवियर की एग्जांपल भी है। इसके अलावा अगर ये तमाम चीज़ें हमने एडवांटेजेस डिस्कस की हैं अभी सोशल बिहेवियर के, अब डिसएडवांटेजेस की भी बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जी सोशल बिहेवियर के अंदर। पहला जो डिसएडवांटेज है, क्योंकि तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक ही स्पीशी के होते हैं ग्रुप के अंदर, तो उन तमाम के दरमियान फिर कंपटीशन पैदा हो जाता है। कंपटीशन जो है वो फूड के लिए भी हो सकता है, कंपटीशन जो है वो मेट के लिए भी हो सकता है, कंपटीशन जो है वो शेल्टर के लिए भी हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक ही स्पीशी के मेंबर के दरमियान जब बहुत सारे मेंबर एक जगह पर रह रहे हैं तो उनके दरमियान कंपटीशन पैदा हो जाता है। इसके अलावा डिजीज एंड पैरासाइट स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि एनिमल्स ग्रुप की सूरत में रह रहे होते हैं, लिहाजा कि अगर कोई एक एनिमल बीमार हो जाए तो वो जो बीमारी है वो उस ग्रुप के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो फैलना स्टार्ट हो जाती है, या पैरासाइट्स भी तेज़ी के साथ एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरफेयर ईच अदर फॉर रिप्रोडक्शन, रेयरिंग ऑफ यंग,
अमूमन जो है जब एनिमल्स ग्रुप की सूरत में रह रहे होते हैं, तो जब अगर कोई एक एनिमल जो है वो दूसरे फीमेल एनिमल, अगर कोई मेल एनिमल जो है फीमेल एनिमल के साथ जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो दूसरा जो मेल है या फीमेल जो है, अमूमन दूसरे मेल जो होते हैं वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन में, या फिर जो बच्चे होते हैं जब उनकी परवरिश कर रहे होते हैं कोई एनिमल जो है, तो वो उनकी परवरिश में भी दूसरे एनिमल्स जो हैं वो यंग वंस की परवरिश में सम टाइम जो है वो इंटरफेयर भी करते हैं। इसके अलावा जो है वैल्यू ऑफ ग्रुप डिपेंड्स ऑन स्पीशीज एंड बिहेवियर इन्वॉल्व। अब किसी भी जो ग्रुप है के वो ग्रुप अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस ग्रुप के अंदर दो चीज़ें देखी जाएंगी, उस ग्रुप के अंदर दो चीज़ों की वैल्यू देखी जाएगी। एक तो उस ग्रुप की जो स्पीशीज है, क्या तमाम की तमाम स्पीशीज एक जैसी हैं और तमाम की तमाम जो स्पीशीज है वो स्ट्रॉन्ग हैं एंड बिहेवियर, और क्या उन तमाम स्पीशीज का जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनके दरमियान कंपटीशन ज़्यादा है या कम है। अगर किसी ग्रुप के जो मेम्बर्स हैं उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ते रहते हैं, इस सूरत में क्या होगा, वो जो ग्रुप होगा उसकी वैल्यू कम होगी और वो ग्रुप टूट जाएगा आसानी के साथ। वो ग्रुप जल्दी जो है ना वो एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी जो दूसरा एनिमल्स का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप पर आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये जो डिसएडवांटेजेस थे सोशल बिहेवियर के। इसके बाद है एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है ये ऐसा बिहेवियर है जो जिसमें कोई भी एनिमल गुस्सा जो है वो शो करता है। वन एनिमल्स इज एग्रेसिव और अटैक्स अदर एनिमल। इसमें क्या होता है कि एक एनिमल जो है वो किसी दूसरे एनिमल को गुस्सा शो करता है। अब गुस्सा शो करेगा या तो वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा शो करेगा, या फिर वो गुस्सा शो करने के साथ साथ दूसरे एनिमल पर अटैक भी करेगा गुस्से के साथ। अब एक तो एनिमल का हमने देख लिया कि जो एनिमल गुस्सा शो कर रहा है या वो गुस्सा ही शो करता है या फिर अटैक करता है। अब दूसरे एनिमल की अगर बात करें, अब दूसरा एनिमल क्या करेगा बदले में, वो बदले में या तो उस पहले एनिमल को जो है वो रिस्पॉन्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ अग्रेशन, वो भी गुस्सा दिखाएगा, दूसरे एनिमल भी जो है पहले एनिमल को गुस्सा दिखाएगा, या फिर अगर दूसरा एनिमल वीक है पहले वाले से तो वो फिर जो है वो आसानी के साथ उसका गुस्सा जो है वो बर्दाश्त करेगा, वो यानी सबमिटिंग का मतलब उसका गुस्सा बर्दाश्त करेगा और जवाब नहीं देगा। दो सूरतें हैं, जब एक एनिमल अग्रेशन शो करेगा या अटैक करेगा तो दूसरा एनिमल उस अग्रेशन के बदले में अग्रेशन शो करेगा, या फिर अग्रेशन शो नहीं करेगा, उस तमाम के तमाम गुस्से जो पहले वाले के गुस्से को सबमिट कर लेगा, बर्दाश्त करेगा। तो इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं एगोनिस्टिक बिहेवियर। सोसाइटी ऑफ एनिमल्स मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर। एनिमल्स की जो सोसाइटी होती है उसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, किस वजह से, एगोनिस्टिक बिहेवियर की वजह से। एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है इज लीथल इन रेयर केसेस। अमूमन एक ही स्पीशी के मेंबर, बहुत दफा ऐसा होता है कि एक ही स्पीशी के मेंबर आपस में एगोनिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, गुस्सा शो एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। अब ज़्यादातर जो है जब एक मेंबर दूसरे मेंबर को गुस्सा दिखा रहा होता है तो वो वक्ती तौर पर होता है, टेम्परेरीली होता है, बट सम टाइम क्या होता है कि वो गुस्सा जो है जब एक एनिमल दूसरे को गुस्सा दिखा रहा होता है तो वो लड़ पड़ते हैं और उनके लड़ने से जो है वो डेथ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लीथल मतलब एगोनिस्टिक बिहेवियर, लीथल रेयर केस में, लीथल मतलब खतरनाक, ये ऐसा बहुत कम होता है कि एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है वो खतरनाक हद तक जाए। मेल शोज अग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट डिस्प्लेज। अमूमन जो मेल्स होते हैं वो अग्रेशन को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट डिस्प्लेज। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा डिस्प्ले करेंगे, वो ऐसी सूरत बनाएंगे या ऐसा कोई एक्शन करेंगे, वो एक्शन गुस्से वाला होगा, दूसरा एनिमल जो है उस उनके एक्शन से गुस्से से डर जाएगा, थ्रेट हो जाएगा। अग्रेशन डिस्प्ले इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। अब जो अग्रेशन डिस्प्ले है ये मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एनिमल जब दूसरे को गुस्सा शो करवाता है तो वो आवाज़ वाला सिग्नल निकालता है, खतरनाक आवाज़ निकाल देता है, दूसरा एनिमल डर जाता है, या फिर कोई एक एनिमल जो है वो इस तरीके से फेस बना लेगा कि दूसरा एनिमल जो है उसके फेस से ही डर जाएगा, वो अब वो सिग्नल विजुअल सिग्नल हो गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जो है एनिमल शो करते हैं। उसके बाद एगोनिस्टिक बिहेवियर सीम्स एंटी सोशल। अब एगोनिस्टिक बिहेवियर, जब कोई एनिमल गुस्सा शो कर यानी अग्रेशन शो करता है तो ऐसे लग रहा होता है कि अब ये सोशल बिहेवियर नहीं है, ये एंटी सोशल है। मतलब ये सोशल बिहेवियर के अंदर हमने यही पढ़ा है ना कि एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से,
लेकिन जब अग्रेशन शो करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एंटी सोशल बिहेवियर, अब ये उसके उलट हो रहा है, लेकिन हकीकत में जो है एगोनिस्टिक बिहेवियर जो होता है वो ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? कि वो सोशल आर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब सोशल आर्डर कौन कौन सा हो सकता है? मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज, तो गुस्सा शो करना ज़रूरी होता है ताकि टेरिटरीज जो है वो कायम रह सके एनिमल्स की। दूसरा जो है डोमिनेंस हायरार्कीज, अब इनकी अलग अलग बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज क्या है या डोमिनेंस हायरार्कीज क्या है। टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी जो है साइट डिफेंड बाय टेरिटोरियल एनिमल बाय एगोनिस्टिक बिहेवियर, यानी टेरिटरी कोई एक ऐसा इलाका होता है कि जिस इलाके के अंदर कोई एक एनिमल रह रहा है और उस इलाके के अंदर वो जो एनिमल है उसने एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करना है, और एगोनिस्टिक बिहेवियर जब शो करेगा तो दूसरा एनिमल उस इलाके के अंदर नहीं आएगा। फिर से सुने, कोई भी एक एनिमल किसी भी इलाके के अंदर जो है वो रह रहा है, अब उस इलाके के अंदर जब वो रह रहा है तो वो एनिमल जो है वो चाहता ये है कि इस खास इलाके के अंदर कोई दूसरा एनिमल जो है, ख़ास तौर पर उसी का अगर कोई मेल रह रहा है तो वो चाहेगा ये कि कोई और मेल इस खास इलाके के अंदर इंटरफेयर ना करे। लिहाजा अगर कोई और मेल उस खास इलाके के अंदर इंटरफेयर करेगा तो एनिमल जो पहले वाला एनिमल है वो क्या करेगा, वो एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करेगा, वो गुस्सा अग्रेशन शो करेगा। अब उसके अग्रेशन को देख कर जो एनिमल इंटरफेयर कर रहे हैं वो फ़ौरन से वहाँ से चला जाएगा, तो उस एनिमल का वो इलाका जिसके अंदर वो किसी और को नहीं आने दे रहा, वो जो साइट है, वो जो एरिया है, उस एरिया को हम बोलेंगे टेरिटरी। तो टेरिटरी शो करने के लिए एगोनिस्टिक बिहेवियर का होना जरूरी है। दे एक्सक्लूड कंपीटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम दिस साइट, मतलब जो एनिमल हैं वो दूसरे एनिमल्स को वहाँ पर, कंपीटिंग एनिमल मतलब सेम स्पीशी के एनिमल्स को वहाँ पर नहीं आने देंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है? मेल बर्ड्स एंड मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मेल बर्ड्स एंड मोस्ट मैमल्स ऑक्यूपाई ब्रीडिंग टेरिटरी। ब्रीडिंग टेरिटरी का मतलब ये है कि जहाँ पर रिप्रोडक्शन की जाती है, वो इलाका जहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, उन इलाकों के अंदर ये अमूमन जो है कोई भी मेल बर्ड किसी दूसरे मेल बर्ड की इंटरफेरेंस को कबूल नहीं करेगा। मेल एक्टिवली डिफेंड एरिया अगेंस्ट अदर मेल्स, मेल जो होता है वो अपने खास इलाके के अंदर जिस वो जो उसकी टेरिटरी होती है वो दूसरे किसी मेल बर्ड को वहाँ पर आने नहीं देता, वो अपने इलाके को डिफेंड करता है। मेल अट्रैक्ट्स अ फीमेल, मेल मेल को तो भगाएगा किस इलाके के अंदर नहीं आना, बट फीमेल जो मेल है वो फीमेल को अट्रैक्ट करेगा। अब फीमेल अट्रैक्ट कैसी होगी? वो फीमेल के लिए फूड वहाँ पर रख देगा अपनी टेरिटरी के अंदर, या वो फीमेल के लिए अच्छा सा शेल्टर बना देगा। फीमेल फूड या शेल्टर की सप्लाई को देखकर जो है उस इलाके के अंदर अट्रैक्ट होगी और आ जाएगी, देन वो ब्रीडिंग करेंगे। सम टेरिटरीज कंटेन फूड सप्लाई और शेल्टर, ये बात मैंने अभी बता दी है। उसके बाद ये डायग्राम जो है वो पिक्चर दिखाई गई है, टेरिटोरियल बिहेवियर इन मेल बर्ड्स। मेल बर्ड्स देखें, दो मेल बर्ड्स हैं जो कि अगर जो एक दूसरे के साथ जो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। दूसरा जो एगोनिस्टिक बिहेवियर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डोमिनेंस हायरार्कीज। डोमिनेंस का मतलब ये होता है कोई चीज़ गालब आ जाए, यानी कोई एक चीज़ जो है वो गालब आ जाए, दूसरी मगलूब हो जाए। हायरार्कीज का मतलब ये होता है कि ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें लोअर से हम हायर की तरफ जाते हैं। डोमिनेंस हायरार्कीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसमें स्टूडेंट्स आपने जो जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये कह लें कि की पॉइंट है इस डेफिनेशन के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स के। इसमें एनिमल्स का ग्रुप होगा इन सच अ वे दैट सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इस तरीके से कि कुछ मेंबर जो हैं इस ग्रुप के हैव ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज, के उनकी जो है ग्रेटर एक्सेस का मतलब है ज़्यादा उनकी मतलब रसाई होगी रिसोर्सेज तक, लाइक फूड। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? रिसोर्सेज के अंदर फूड हो सकती है या मेट हो सकती है, देन अदर दूसरों से। अगर हम इसको आसान अल्फाज में बात करें तो ये एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है कि उस ग्रुप के अंदर तमाम मेंबर्स जो होते हैं वो एक जैसी ताकत नहीं रखते। उन तमाम मेंबर्स में से कुछ मेंबर जो होते हैं ग्रुप के वो ताकतवर होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। अब अगर वो स्ट्रांग हैं, दूसरों से देखें वो स्ट्रांग है, तो अगर वो ताकतवर हैं तो वो आसानी से जो है वो फूड जो रिसोर्सेज होते हैं उनको फूड भी मिल जाती है, और उनको आसानी से जो उनका अपोजिट मेट है मेटिंग पर्पस के लिए जो है उनका अपोजिट सेक्स वो भी आसानी से मिल जाता है। देन हम इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो एनिमल जो स्ट्रांग है वो आसानी से हर चीज़ खा पी रहे हैं,
तो वो डोमिनेंस है, वो मतलब डोमिनेंट है उस ग्रुप के। एनिमल्स प्रेजेंट नियर टॉप ऑफ द ऑर्डर हैविंग फर्स्ट चॉइस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वो एनिमल्स जो कि स्ट्रांग है वो अब टॉप पे हैं, वो सबसे ऊंचे हैं, तो वो उनको वो फर्स्ट चॉइस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि उन्हें हर एक रिसोर्स जो है पहली ही चॉइस के अंदर मिलेगी, आसानी के साथ उन्हें तमाम रिसोर्सेज मुयसर आएंगे। वो एनिमल्स जो कि अब बॉटम पे हैं मतलब कमज़ोर हैं, उन एनिमल्स को जो है वो सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं मिलते, उनको थोड़े से रिसोर्सेज मिलेंगे या हो सकता है सफिशेंट रिसोर्सेज भी ना मिलें। तो इसके अलावा जो है लिहाजा डोमिनेंस हायरार्की के अंदर क्या है, हमने यही बात की है कि एनिमल्स तमाम के तमाम जो है वो सेम नहीं होंगे, कुछ एनिमल्स स्ट्रांग होंगे कुछ वीक होंगे, जो स्ट्रांग होंगे वो उस ग्रुप के टॉप पे पाए जाएंगे, जो वीक होंगे वो उस ग्रुप के बॉटम पे पाए जाएंगे। डोमिनेंस हायरार्की के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर जो है एग्जाम्पल, इसकी पहली एग्जाम्पल है पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग का मतलब ये होता है फाइट विद बीक्स। अमूमन आपने जो हैन होती हैं या चिकन होते हैं, मुर्गों को अमूमन आपने देखा होगा, कॉक्स जो होते हैं अमूमन मुर्गे लड़ रहे होते हैं अपनी चूंच के साथ, जो है वो लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम इसको बोलते हैं पैकिंग, चूंच के साथ लड़ने को। अगर आप पैकिंग ऑर्डर में देखें, पैकिंग ऑर्डर प्रेजेंट इन चिकन इन पेन, यानी ये जो पैक ऑर्डर है या जो पैकिंग ऑर्डर है ये चिकन के अंदर हमें अमूमन मिलेगा। पेन क्या होता है, पेन जो स्मॉल हाउस ऑफ चिकन, अमूमन घरों के अंदर आपने देखा होगा कि लोगों ने जो मुर्गियां पाली होती हैं, मुर्गियां और मुर्गे जो उन्होंने पाले होते हैं, तो उन मुर्गियों और मुर्गों के अंदर वो एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर तमाम जो मुर्गे हैं या जो तमाम मुर्गियां हैं वो एक ही, अब ये तो समझ आ गया कि मुर्गियों से डोमिनेंट है। अब मुर्गे कई हैं, अब कौन सा मुर्गा डोमिनेंट है, मुर्गे आपस में फिर लड़ेंगे, जब वो फाइट करेंगे अपने बीक के साथ तो कोई एक जो मुर्गा है वो जीत जाएगा। अब वो जो मुर्गा जो जीत गया है वो क्या होगा, वो सबसे स्ट्रांग है, लिहाजा वो जो है वो डोमिनेंट है। अब वो जो स्ट्रांग, वो जो मुर्गा जीत गया है, जब जहाँ पर भी फूड आएगी तो फूड सबसे पहले वही जो जीता मुर्गा है वो खाएगा, और अगर कोई मेटिंग का पर्पस है तो सबसे पहले वही मेटिंग करेगा। लिहाजा यहाँ पर जो है डोमिनेंट हायरार्की, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस हायरार्की। तो पीसफुल, अब जब वो मुर्गा जीत जाता है तमाम, यानी कहने कंपटीशन होगा मुर्गों के दरमियान, कोई एक मुर्गा जीत गया, अब जब वो एक मुर्गा जीत गया तो तमाम वो जो मुर्गे हैं वो उसकी जीत को कबूल करेंगे, और वहाँ पर एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब एक खुशगवार जो है, एक पुरसकून जो को एग्जिस्टेंस का मतलब यह माहौल वहाँ पर कायम होगा, अब रोज़ रोज़ लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मुर्गा ये समझता है कि वो ताकतवर हो गया है तो वो दोबारा जो है कंपटीशन में हिस्सा लेकर दोबारा कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वही सबसे पहले रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। उसके बाद जो है एक और यहाँ पर एग्जांपल है डोमिनेंस हायरार्कीज इन वर्टिब्रेट ग्रुप्स। वर्टिब्रेट के ग्रुप्स के अंदर भी जो है ये डोमिनेंस हायरार्की मौजूद है। यहाँ पर मैमल्स के ग्रुप, ये वर्टिब्रेट, हम कौन से वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली मैमल्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं इस वक्त। डोमिनेंस हायरार्की प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। अब लीनियर रिलेशनशिप की सूरत में भी डोमिनेंस हायरार्की हो सकती है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब एनिमल्स जो फॉर एग्जांपल किसी एक ग्रुप के अंदर 8-10 जो है वो मंकी हैं, बबून मंकी की एक टाइप है, ये 8-10 है वहाँ पर, तो अब 8-10 जब आपस में झगड़ेंगे तो 8-10 में से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन बकाया जो हैं वो बकाया की भी पोजिशन होगी। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब बकाया की भी पोजिशन होगी, कोई एक फर्स्ट नंबर पे आएगा, दूसरा जो है सेकंड पे, तीसरा थर्ड पे, चौथा जो है कोई फोर्थ पोजीशन, इस तरीके से उनमें से पोजीशन वाइज। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो पोजीशन वाइज सिलेक्ट हो जाते हैं कि सबसे हाईएस्ट ऊपर, उससे लोअर नीचे, इस तरीके से जो इस रिलेशनशिप को होता है लीनियर रिलेशनशिप। ट्राइंगुलर रिलेशनशिप में फॉर्म बाज दफा क्या होता है कि ट्राइंगुलर का मतलब ये होता है कि एनिमल अगर किसी ग्रुप के अंदर तीन एनिमल हैं तो वो तीनों जो है वो एक ट्राइंगल की सूरत में उनका रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेल इन हाईएस्ट रैंक ऑर्डर इन बबून, बबून ये आपको जो एनिमल नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर, ये बबून है, इनमें क्या है वो बबून जो जीत जाता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेल होता है वो उस ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप में जो सबसे टॉप ऑर्डर पे वो बबून जो है वो पाया जाता है, यानी वो जो बबून जीत गया है वो जिधर भी फूड रिसोर्सेज होंगे तमाम वो ग्रुप जाएगा, लेकिन उस ग्रुप के अंदर जो बबून, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बबून जो जीता है वो सबसे पहले फूड को यूज़ करेगा। समटाइम ओल्डर मेल्स में फॉर्म कोअलिशंस। बाज़ दफ़ा क्या होता है
उस ग्रुप के अंदर कोई बूढ़े जो बबून हैं, जो कभी उस ग्रुप के कह लें कि जो सरदार रहे होंगे, लेकिन वो कमज़ोर हो जब बूढ़े होने की वजह से वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, अब उस ग्रुप के अंदर दोबारा से जो है वो सिलेक्शन होगी और एक बबून जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बबून होगा। लेकिन उस ग्रुप के अंदर जो बूढ़े बबून जो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको भी जो है वो सरदार के तौर पर वक्ती तौर पर उनको सरदार मुंतब कर दिया जाएगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस रखते हैं। लिहाजा इसको बोलते हैं कोअलीशन। कोअलीशन का मतलब ये है कि जीता कोई और है लेकिन वो जीतने वाला जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है वो किसी बूढ़े मंकी को कहेगा कि आप जो हैं वो कुछ अरसे के लिए जो है इस ग्रुप के सरदार बने रहे। तो इसको बोलते हैं कोअलीशन, यानी टेम्परेरी अलायंस का मतलब वक्ती तौर पर जो है वो इतिहाद कायम किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स डोमिनेंस हायरार्की कंप्लीट हुआ, ये आज के लिए इतना ही है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।